अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं उनको डेफिनेटली ये नहीं पता होगा कि ये हमारे पास एलजी के सेकंड एपिसोड है। हम एलजी का एक पहले वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर मैंने उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी अक्रेंस के बारे में बात की थी। आज की हमारी सेकेंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलजी की। स्ट्रक्चर ऑफ एलजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से काफ़ी एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और आप उन छोटे डिटेल्स को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उन्हीं में से आपके पेपर के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस वीडियो को एंड तक बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बताने वाली हूँ, वो आपके पेपर में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एलजी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब देखने में इनमें से मोस्टली आपको प्लांट्स जैसे ही लगेंगे, लेकिन ये क्योंकि इनिशियल ग्रीन लैंड ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू की थी, तो समहाउ इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते हैं, लेकिन ये ट्रू ऑब्वियसली ये प्लांट से बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद हमारे पास है फ्लैजेला। सेल वॉल आपको पता है जो आउटर कवरिंग होती है ऑफ अ सेल। फ्लैजेला हमारा एक मूविंग स्ट्रक्चर है, एक मूविंग पार्ट कह लें आप इसकी बॉडी का, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड्स एंड क्रोमेटोफोर्स, ये भी हमारे पास इसका एक ऑर्गेनेली है। पायरेनाइड्स, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, अगेन फ्लैजेला, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, एंड स्टिग्मा आई स्पॉट। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको एलजी में ही मिलेगा और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा। उसके बाद आप सबसे पहले अगर हम डिटेल में जाएं तो हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो है ये इसकी नॉन लिविंग मटेरियल से मिलके बनी होती है। नॉन लिविंग मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसके सेल्स लिविंग ना हो। ऑब्वियसली इसकी कैटेगरीज में अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें कि सेल वॉल की बेस पे अगर हम एलजी को देखें तो इसकी तीन कैटेगरीज, अगर सेल वॉल की बेस पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर इसकी कंपोजिशन की बेस पे देख रहे होंगे। अगर हम कैटेगरीज को देखें तो इसके अंदर आती है सेलुलोजिक, सेलिसिफाइड एंड म्यूकोपोलीमेरिक। ये हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं सेल वॉल की। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन एलजी की। ग्रीन एलजी के अंदर ग्लूकोज एंड अदर शुगर प्रेजेंट है। अब जो ग्रीन एलजी है हमारे पास, उसकी वॉल, सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स। इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज और हमारे पास उससे रिलेटेड बाकी के शुगर्स हैं। जेंथोफाइटा की बात, इसकी बात करें तो इसके अंदर पेक्टिन, पेक्टिन से बनी है इसकी सेल वॉल। फायोफाइटा की बात करें, इन एडिशन हैविंग हेमी सेलुलोज, फ्यूनिन, एल्गिनिन एसिड एंड फ्यूकोइडिन। इसके अलावा हमारे पास हेमी सेलुलोज में, हेमी सेलुलोज के अलावा फायोफाइटा में हमारे पास फ्यूकिन, एल्गिनिन एंड एसिड एंड फ्यूकोइडिन प्रेजेंट है। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। वो आपको एमसीक्यूज में ये दे सकते हैं कि जेंथोफाइटा सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ डैश, आगे वो आपको ऑप्शंस में दे दें ग्लूकोज, हेमी सेलुलोज, एल्गिनिन एसिड और पैक्टिन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हमेशा पैक्टिन के ऊपर ही क्लिक करना है। उसके बाद बेसिलियोफाइटा, बेसिलियोफाइटा इसके अंदर अल्फा क्वार्ट्स एम्बेडेड इन पैक्टिन लाइक मैट्रिक्स नॉट हैविंग शुगर्स सिलिसिफाइड। इसका मतलब इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है क्योंकि उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है। सिलिसिफाइड होता है जिसके अंदर सिलिका एम्बेडेड हो और सिलिका प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि आप बेसिलियोफाइटा की ऑप्शन के अंदर अगर आपसे एमसीक्यूज में या ब्लैंक में पूछता है तो आप ये नहीं कह सकते किसके अंदर किसी भी किस्म की शुगर प्रेजेंट है। शुगर्स किस में प्रेजेंट है? ग्रीन एलजी की वॉल में, और बेसिलियोफाइटा की वॉल में शुगर प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास सिलिका। अल्फा क्वार्ट्स एम्बेडेड इन पेक्टिन लाइक मैट्रिक्स नॉट हैविंग शुगर्स सिलिसिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सियानोफाइटा। सियानोफाइटा के अंदर ग्लूकोसामाइन, एमाइनो एसिड्स, म्यूरामिक एसिड, डायअमाइनो पाइमेलिक एसिड एंड सम शुगर्स, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब सियानोफाइटा के अंदर आपको पता चल गया कि क्या क्या प्रेजेंट है। सम शुगर्स, क्योंकि कुछ अब ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे कि कौन कौन सी शुगर्स, क्योंकि देर आर वराइटी ऑफ ऑप्शन। तो आपने बस ये याद रखना है कि मेन इसके अंदर ग्लूकोसामाइन, अमाइनो एसिड, म्यूरामिक एसिड, डायअमाइनो पाइमेलिक एसिड एंड सम शुगर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो ऊपर हमने सेलुलोजिक, सेलिसिफाइड एंड म्यूकोपोलीमेरिक की बात की थी, अब हम इनको देखेंगे कि ये किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो सेलुलोजिक आपको नाम से पता चल रहा है ये ग्रीन एलजी कैटेगरी में है, क्योंकि ग्रीन एलजी में ही ग्लूकोज और अदर शुगर्स हैं, तो ये जो ग्रीन एलजी है ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। उसके सेलिसिफाइड कैटेगरी में क्या फॉल करता है? बेसिलियोफाइटा, अभी हमने बात की है।
फिर उसके बाद म्यूकोपोलीमेरिक की जो कैटेगरी, इसमें कौन सी क्लास फॉल करेगी? सियानोफाइटा, क्योंकि इसके अंदर ये सारे कंपाउंड, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे केमिकल्स, ये सारी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, और ये किसके अंदर फॉल करेगी? म्यूकोपोलीमेरिक के अंदर। इसके अंदर सारे पॉलीमर्स प्रेजेंट हैं। द ज़ूस्पोर्स, गैमीट्स एंड मैच्योर सेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ देम हैव नो सेल वॉल। ये इंटरेस्टिंग है। अब ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि एलजी की कौन सी स्टेट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। एलजी में आपको उसके सेल्स जो है उसमें हमेशा सेल वॉल मिलेगी, अदर देन या तो वो ज़ूस्पोर्स हों। ज़ूस्पोर्स आर इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे जाके हम बात करेंगे। अगर वो ज़ूस्पोर्स हैं या वो गैमीट्स हैं, गैमीट्स होते हैं जो आगे ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, वो गैमीट्स हैं या वो मैच्योर सेल्स हैं क्योंकि वो अपनी एज गुजार चुके हैं, अब वो डाई होंगे अल्टीमेटली। इन तीनों स्टेट्स में आपको एलजी के अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी, अदर देन दैट आपको हर सेल में एलजी के क्या मिलेगी? सेल वॉल। द ज़ूस्पोर्स, गैमीट्स एंड मैच्योर सेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ देम हैव नो सेल वॉल, ठीक है, इनमें से ज़्यादातर ये सेल वॉल नहीं है, बाकी सब एलजी में सेल वॉल होती है। तो ये सेल वॉल की थोड़ी सी डिटेल हो गई। आगे नेक्स्ट आने वाली थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैजिला, प्लास्टिड्स, क्रोमेटोफोर्स, बाकी सारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स की ऑफ एलजी की। इस वीडियो के हमने अंदर बात की है सेल वॉल, थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? वो हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल की हमने बात की है, तो वो नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर बना होता है। कैटेगरीज हमारी इस बेस पे, सेल वॉल की बेस पे जो कैटेगरीज हैं वो है सेलुलोजिक, सेलिसिफाइड एंड म्यूकोपोलीमेरिक। अब सेलुलोजिक में कौन सी आती है? ग्रीन एलजी, क्योंकि ग्रीन एलजी में ग्लूकोज और अदर शुगर प्रेजेंट है। सेलिसिफाइड में कौन सी आती है? बेसिलियोफाइटा, अल्फा क्वार्ट्स इम्बेडेड इन पेक्टिन लाइक मैट्रिक नोट हैव शुगर, इसके अंदर शुगर नहीं होती। म्यूकोपोलीमेरिक के अंदर हमारे पास आता है सियानोफाइटा, ग्लूकोसमाइन, अमाइनो एसिड, म्यूमेरिक एसिड, डायमाइनो, पाइमेलिक एसिड एंड सम शुगर्स, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, जनरल बात की हुई है ग्रीन एलजी में क्या प्रेजेंट है सेल वॉल में, ज़ैंथोफाइटा में पेक्टिन प्रेजेंट है, फायोफाइटा में हेमीसेलुलोज, फ्यूकिन, एल्गिनिन एंड अदर फ्यूकोडाइन प्रेजेंट है, ठीक है, इनको मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करा दिया। उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग बात पड़ी है कि आपके पास एलजी में आपको हर सेल में सेल वॉल मिलेगी, अदर देन ज़ूस्पोर्स, अदर देन मैच्योर सेल्स और अदर देन गैमीट्स। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे।